जो दानापुर थाना अंतर्गत दीपक मेहता हत्याकांड हुआ था, जिसे शिव गोप ये वांछित थे। इन दोनों ही कांड में ताबड़तोड़ आके कार्बाइन और अन्य हथियारों के साथ आकर फायरिंग की गई थी। आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के बेहद करीबी गैंगस्टर या फिर यूं कहें कि कुख्यात शिव गोप उर्फ शिव यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, शिव गोप की बात कर ली जाए तो दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड मामले में भी संलिप्तता पाई गई थी। इसके अलावा नथुपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में घुसकर फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, चार लोग घायल हो गए थे। तो कई ऐसे मामले जिस मामले में गैंगस्टर कुख्यात शिव गोप फरार चल रहा था, लेकिन पटना पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन में धर दबोचती है। दरअसल एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने बुधवार को गैंगस्टर शिव गोप को गिरफ्तार कर लिया। यह जक्कनपुर थाने की मछली गली स्थित ब्रह्मदेव भवन का रहने वाला था। वह दानापुर के आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के पिता और कुथवा पंचायत के मुखिया रामाशीष राय के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए दीघा के घाट पर पहुंचा था, तभी उसे टीम ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे कोतावली ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। उसकी तलाश बेउर और दानापुर के दो आपराधिक मामलों में पुलिस कर रही थी। बेउर थाने में दर्ज केस में गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। फुलाड़ी शरीफ के एसडीपीओ विक्रम सिहाग ने बताया कि दानापुर और बेउर में हुए हत्याकांड व फायरिंग कर लोगों को जख्मी करने के मामले में शिव गोप को गिरफ्तार किया गया था। वही बात अगर 24 अगस्त 2022 कर ली जाए तो 24 अगस्त 2022 बेउर थाने के पैथानी नथुपुर के शिवाजी नगर में प्रभु मार्केट के गौरव कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस दौरान वहां के स्टाफ धर्मेंद्र कुमार, लाल बाबू उर्फ अनंत कुमार, राजेश कुमार, रंजीत कुमार और निरंजन कुमार को गोली लगी थी। इलाज के क्रम में राजेश कुमार की मौत हो गई थी। इस मामले में चार नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ बेउर थाने में केस दर्ज किया गया था और इस कांड में शिव गोप का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा दानापुर के नासरीगंज में घर के सामने नगर परिषद उपाध्यक्ष व जदयू नेता दीपक मेहता की 28 मार्च 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में पुलिस ने सूत्रों को गिरफ्तार किया था और उसके बयान के बाद शिव गोप की संलिप्तता सामने आई थी। इस कांड में एसटीएफ ने 18 फरवरी को फरार अभियुक्त उमेश कुमार सिंह को राजापुर दुजरा से गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त दीघा निवासी रवि गोप, उसके भाई राजू राय, घुसवरी के राजकुमार सहनी उर्फ बालक, मैनपुरा के मनोज कुमार व दूसरा के मोहम्मद आजाद हुसैन को गिरफ्तार किया था। तो कल बिहार पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर शिव गोप उर्फ शिव यादव को गिरफ्तार कर लिया है। शिव यादव आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के करीबी बने रहते हैं और कल रीतलाल यादव के पिता रामाशीष राय का जब दाह संस्कार हो रहा था दीघा घाट पर, तो उस दाह संस्कार में शामिल होने के लिए शिव पहुंचा था, तभी एसटीएफ और पटना पुलिस को जानकारी मिली। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता अपने नाम की है, गैंगस्टर शिव गोप को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में शिव गोप फरार चल रहा था, लेकिन कल दीघा घाट से गिरफ्तारी हुई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ रीतलाल यादव जो आरजेडी के विधायक हैं, बाहुबली विधायक की पहचान है, उनके ठीक बगल में उजला लड़का जो गमछा है वो अपने माथे में बांधे हुए बैठा हुआ शिव गोप को पटना पुलिस एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जो है वो गिरफ्तार कर लेती है।